नमस्ते फ्रेंड्स, मैं एकता मेहता एकता क्रिएशन से। दोस्तों, एफिनिटी फ़ोटो के अंदर फाइल्स को कैसे ओपन करना है, उन्हें कॉपी पेस्ट कैसे करना है और एक्सपोर्ट पर्सोना यूज़ करके उन्हें डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स में कैसे सेव करना है, ये हमने पहले सीखा। आज हम देखेंगे डेवलपमेंट पर्सोना क्या होता है। तो एफिनिटी फ़ोटोज़ के अंदर आप कोई भी रॉ इमेजेस यदि ओपन करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट डेवलप पर्सोना में ओपन होती है। डेवलप पर्सोना ये एक तरह का वर्कस्पेस है। रॉ इमेजेस को एडिट करने के लिए सारे नेसेसरी टूल्स उन्होंने एक ही जगह पर रख दिए ताकि आप उन्हें आसानी से इमेजेस को एनहांस कर सके। तो आइए देखते हैं डेवलपमेंट पर्सोना के अंदर क्या क्या टूल्स है। इमेजेस मैंने यहाँ पर ली है, इमेजेस को ओपन करते ही ये डेवलप पर्सोना में खुल रही है और यहाँ पर इमेजेस का पिक्सल्स में उसका साइज़ कौन से मेगापिक्सल कैमरे से लिया है वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में कुछ टूल सेट है, इसको हम पहले देखते हैं। और यहाँ पर रेड आई रिमूवल टूल होता है। आपकी इमेजेस में यदि रेड आई हो तो उस पर जस्ट आप माउस से इस तरह का एक स्क्वायर बना ले और जो भी रेड आई उसके अंदर होगा वो ब्लैक हो जाएगा। सो सिंपल, ओके। और दूसरा यहाँ पर ब्लेमिश रिमूवल टूल होता है, हमने ब्लेमिश रिमूवल टूल लिया और जहाँ पर भी आपको ब्लेमिश नज़र आ रहा है जस्ट आप उस जगह पर लेफ्ट की से ऐसे प्रेस करें और उसको इस तरह से जो स्किन आपको चाहिए आप उधर अपने माउस को ड्रैग कर लीजिए। अगर मैं सिंपली सिर्फ अगर प्रेस करके छोड़ दूँगी तो जो स्किन टोन उसे लगेगा वो स्किन टोन वो यहाँ पर अप्लाई कर देगा। ऐसे जो पास का स्किन टोन है वो उसने अप्लाई कर दिया। आपको स्पेसिफिक स्किन टोन चाहिए तो एक बार ब्लेमिश पे क्लिक करके उसको, अब जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया और मुझे स्पेसिफिक यहाँ का स्किन टोन चाहिए थोड़ा सा रेड डॉट जैसा, तो मैं इसको यहाँ पर इस तरह से ड्रैग करूँगी और ये वाला स्किन टोन इसके अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पर एक दूसरा और एक स्पेसिफिक टूल है, ओवरले पेन टूल। यदि आपको कुछ एक स्पेसिफिक पोर्शन को सिलेक्ट करके सिर्फ उसी में चेंजेस अप्लाई करने हैं तो वो आप इसके ज़रिए कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ओवरले पेन टूल लिया और इस लिप्स को सिलेक्ट किया, इसको मुझे थोड़ा सा डार्क रेड करना है। जो लिप्स का शेप है ओरिजिनल मैं बस वही सिलेक्ट कर रही हूँ। ब्रैकेट्स के थ्रू अपने ब्रश का साइज आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। कंट्रोल ज़ीरो करें फिट ऑन स्क्रीन के लिए और यहाँ पर बेसिक में जाके अब यहाँ पर सेटिंग्स होती है एक्सपोजर कॉन्ट्रास्ट ब्राइटनेस, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक्सपोजर में गई और इसका एक्सपोजर मैंने थोड़ा सा कम कर दिया, ब्लैक पॉइंट को मैं थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ, ब्राइटनेस को भी मैंने कम कर दिया। जो भी चेंजेस है अगर आप इसको अंडू करना है तो कंट्रोल जी करें और यहाँ पर एक अंडू का बटन है, आप यहाँ से भी अंडू कर सकते हैं। अगर इसको और थोड़ा आपको रेड करना है, इसका सैचुरेशन नहीं, मैं यहाँ से बढ़ा देती हूँ, और आपको डार्क रेड चाहिए लाइट रेड चाहिए उस हिसाब से आप इसको सेट कर ले, ओके। और जब आपको हो जाए कि ये मेरा फ़ोटो रेडी है तो जस्ट आप इस यहाँ पर डेवलप क्लिक करेंगे तो ये आपका फ़ोटो रेडी हो जाएगा। फिर आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स में। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर होता है ओवरले इरेज टूल है और एक ओवरले ग्रेडियंट टूल है। जैसे कि अगर मैंने ओवरले पेन टूल लिया और मैंने इतना एरिया पेंट किया और ओवरले इरेज टूल लिया तो ये सब इरेज हो जाएगा। तो जो एरिया आपने पेंट किया उसको इरेज करने के लिए इरेजर टूल है। उसके बाद ओवरले ग्रेडियंट टूल है। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो स्काई है ये इतना पूरा पोर्शन मुझे थोड़ा सा पिंक शेड में इसको देना है, क्लाउड्स का इफेक्ट, तो मैंने जस्ट इस तरह से ये स्काई सेलेक्ट किया, ओके। एंड अब ये ओवरले ग्रेडियंट टूल मैंने अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पर मैं बेसिक में गई और इसकी सेटिंग्स मैंने चेंज करी, इसका एक्सपोजर ब्राइटनेस ये मैंने सेट किया। यहाँ से यहाँ पर ऑप्शन होता है वाइट बैलेंस, आप यहाँ से भी टूल ले सकते हैं।
या फिर यहाँ पर वाइट बैलेंस है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसका टेम्परेचर टेंट आप यहाँ से सेट करें। अब मुझे किस हद तक इसको पिंकिश ऑरेंज दिखाना है वो मैं यहाँ से सेट कर सकती हूँ। यहाँ पर मैं इसका वाइट बैलेंस एडजस्ट कर रही हूँ। टेम्परेचर और टीन को सेट करके आप थोड़ा वार्म लुकिंग इफेक्ट यहाँ पर दे सकते हैं। अब मैंने शेडोज और हाइलाइट्स को सेट कर दिया। ओके, तो ये इतना जो स्काई है इसको मैंने ग्रेडियंट टूल से सेलेक्ट करके इसको पिंक शेड दे दिया। यहाँ पर इवन ऑप्शन होता है ओवरलेस के अंदर, आप जाके देखेंगे तो यहाँ हमने पहले ब्रश ओवरले दिया था जिसको हमने इरेज किया, फिर ग्रेडियंट ओवरले दिया और मास्टर यानी फुल इमेज, लेंस, डिटेल्स, टोन्स, ये सारे ऑप्शंस मास्टर लेयर पे ही अप्लाई होते हैं। जैसे ही आप मास्टर लेयर ऑन करेंगे आप ये ऑप्शंस देख पाएंगे। अब यहाँ पर फुल इमेज पे हम सेटिंग अप्लाई करते हैं। यहाँ पर मैंने इसका एक्सपोजर सेट कर दिया। ध्यान रखें क्लाउड्स का कलर हमें ज़्यादा चेंज ना होना चाहिए। क्लियरिटी मैंने ऑलमोस्ट 80% कर दी, सैचुरेशन 50, वाइब्रेंस मैंने 50 कर दिया ताकि ये जो स्काई का कलर है और अच्छा दिखे, और इसको थोड़ा सा वाइट बैलेंस, आप यहाँ पर भी एक वाइट बैलेंस का टूल होता है इसके ज़रिए भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर वाइट बैलेंस होता है इसके ज़रिए भी आप टेम्परेचर एंड टिंट सेट कर सकते हैं। शेडोज़ एंड हाइलाइट्स, अब किसी भी इमेज में शेडोज़ और हाइलाइट्स कौन सी है ये पता करने का आसान तरीका है। यहाँ पर ऑप्शन होता है शो क्लिप्ड हाइलाइट्स, शो क्लिप्ड शेडोज़। अब जैसे यहाँ पर ब्लू कलर का ये शेडोज़ दिख रहे हैं, शो क्लिप टोन्स, तो ये सब आपको समझ में आ गया कि ये ये एरिया देखकर आप इनका शेडो हाईलाइट एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसे इनको ऑफ़ करना तो जस्ट सिंपली यहाँ से ऑफ़ कर दीजिए। अब इसका इमेज का ओरिजिनल वर्जन अगर आपको देखना है तो यहाँ पर ऑप्शन होता है सिंगल व्यू, स्प्लिट व्यू, यानी जो पहले वाली इमेज है वो आफ्टर एंड बिफोर एक स्लाइडर के ज़रिए हमें इस तरह से दिखाई देगी, या फिर मिरर व्यू। मिरर व्यू में क्लियर दिख रहा है कि जो पहले की इमेज थी इस तरह से डाउन थी और हमने उसको इस तरह से एनहांस किया है और ज़्यादा क्लियर किया है। यहाँ पर हमारे स्काई क्लाउड भी और अच्छे से दिखाई दे रहा है। क्लाउड्स का कलर परफेक्ट दिखने के लिए हम इसका एक्सपोजर, ब्राइटनेस और इसका वाइट बैलेंस में टेम्परेचर टेंट थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन होता है सिंक्रोनाइज बिफोर, यानी जो पहले ये जो इमेज है ये इसके साथ सिंक्रोनाइज हो जाए, इसको आप जस्ट कंट्रोल जेड भी कर सकते हैं, सिंक्रोनाइज आफ्टर, या फिर स्वैप, यानी बिफोर और आफ्टर दोनों इमेजेस ऐसे स्वैप हो जाए। ओके, तो ये हमारी फाइनल इमेज है, इसको हम सिंगल व्यू कर देते हैं ऐसे, और इसको अगर हमें क्रॉप करना है तो जस्ट हमने क्रॉप टूल दिया। जो भी प्रोपोर्शन आपको सेट करना है यहाँ पर आप रेशो सेट कर सकते हैं। इसको मैंने रोटेट कर दिया ऐसे एंड ओके, और इसको मैंने क्रॉप कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया। ओके, और इसको मैं कर देती हूँ डेवलप, तो ये हमारी रॉ इमेज इस तरह से डेवलप हो गई। अब आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स में। दूसरी सेटिंग्स हम देखते हैं, जैसे कि ये एक हनी भी है एक फ्लावर के ऊपर। अब यहाँ पर मैं लेंस इफ़ेक्ट्स भी अप्लाई कर सकती हूँ। लेंस में डिस्टॉर्शंस होता है, जैसे कि आप इस तरह से इसको और डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, इसको आप हॉरिजेंटल वर्टिकल में भी डिस्टॉर्ट कर सकते हैं ऐसे। एक बार आप वर्टिकल डिस्टॉर्शन कर ले और उसके बाद आप चाहे तो क्रॉप कर ले फिर उस इमेज को साइड से। ओके, रोटेशन स्केल ये ऑप्शन है, डिफरेंस, ये सारे लेंस ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। मुझे कुछ भी अभी लेंस करेक्शन नहीं करना तो इसको मैं ओरिजिनल रिवर्ट कर देती हूँ। डिटेल सेक्शन, ये मुझे देखना है कि यहाँ पर डिटेल रिफाइनमेंट, मुझे जो इसका शार्पनेस है वो थोड़ा बढ़ाना है, तो मैंने इसका रेडियस ऑलमोस्ट 670 के अराउंड मैंने इसको सेट कर दिया। अब मैं आपको इसका मिरर व्यू दिखाती हूँ। ये हमारा बिफोर इमेज था और ये आफ्टर, इसमें आप इसकी पेटल्स देखेंगे तो ये कितनी ज़्यादा शार्प हमें दिखाई दे रही है, ये हनी बी की और ये फ्लावर की पेटल्स एकदम शार्प हमें दिख रही है। यहाँ पर आप नॉइज़ रिडक्शन का भी ऑप्शन होता है, इस फोटो में वैसे ज़रूरत नहीं है,
नॉइज़ इवन आप ऐड भी कर सकते हैं। अगर किसी फ़ोटो में आपको लगे कि नॉइज़ ऐड करना है तो जस्ट आप यहाँ से इस तरह से नॉइज़ ऐड भी कर सकते हैं। अभी मैं इसको हटा देती हूँ फिर से। ओके, यहाँ पर टोन्स ऑप्शन होता है, यानी कर्व्स आप सेट कर सकते हो ऐसे। ओके, ब्लैक एंड वाइट ऑप्शन होता है कि अगर आप इमेज को ब्लैक एंड वाइट करना चाहते हैं। स्प्लिट टोनिंग, ये ऑप्शन भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये ओरिजिनल इमेज थी और इसको मैंने इस तरह से और एनहांस किया है और इसको मैं कर दूंगी डेवलप। तो इस तरह से एफिनिटी फ़ोटो के अंदर डेवलपमेंट पर्सोना यूज़ करके आप अपनी रॉ इमेजेस को आसानी से एनहांस कर सकते हैं, उन्हें और खूबसूरत बना सकते हैं। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल एकता क्रिएशन को सब्सक्राइब करना ना भूले। आप चाहे तो हमारी वेबसाइट stopandlearn.com पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूले और अपना फीडबैक हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं। थैंक यू।